दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं गुरु गोरखनाथ की कृपा कैसे प्राप्त करें, इसी गुरु गोरखनाथ कृपा प्राप्ति मंत्र साधना के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। वो साधना कौन सी है, वो मंत्र कौन सी है, साधना कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साधना के क्षेत्र में गुरु का बहुत ही महत्व होता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वो गुरु दीक्षा नहीं लेता, गुरु नहीं बनाता, गुरु को समर्पित नहीं होता, तब तक वो साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि सफलता का द्वार जो है गुरु के आशीर्वाद से ही खुलते हैं। जब खुलता है तभी साधना में सफलता प्राप्त होनी शुरू होती है, नहीं तो आप कितनी भी मेहनत करें, प्रयास करें, आपको सफलता नहीं मिलने वाली। ठीक है, गुरु के महत्व के बारे में आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। एक राजा था और एक रानी थी। रानी बहुत धर्मपरायण स्त्री थी, हमेशा कथा, रोज प्रतिदिन कथा वो सुनना पसंद करती थी, इसीलिए एक पंडित नियुक्त किया गया था उनको कथा सुनाने के लिए राजा द्वारा। तो राजा पंडित जब भी आते थे और कथा सुनाते थे, कथा के आखिरी में पंडित जी बोलते थे, राम नाम जपे बंधन छूटे, राम नाम जपे बंधन छूटे, इस तरह की बातें वो आखिरी में करते थे। और वहीं पे जहाँ पर रानी को पंडित जी जो कथा सुनाते थे वहीं पर एक ऊपर में तोता, एक चांदी की पिंजरा था, उसमें एक तोता रखा हुआ होता था। तो जैसे ही बोलता था पंडित जी बोलते थे कि राम नाम से बंधन छूटे, तो वो तोता बोलता था, चल झूठे, झूठा कहीं का। रोज प्रतिदिन यही बात होती थी। पंडित जी आखिरी में जब भी राम नाम जपे बंधन छूटे बोलते थे तो तोता हमेशा वही बोलता था, चल झूठे। रानी के सामने पंडित जी को बहुत ही लज्जित होना पड़ता था। तो आखिर में एक दिन परेशान होकर पंडित जी अपने गुरु के पास गए और उसने उनसे अपनी समस्या बताई कि ऐसी ऐसी बात है गुरु जी, बड़ी अजीब कश्मकश की स्थिति हो जाती है, असमंजस की स्थिति हो जाती है, क्या करें। तो पंडित जी को राजा गुरु जी बोलते हैं कि चलो मुझे ले चलो। गुरुजी को पंडित जी और ले जाते हैं उसको तोता के पास। तोता के पास ले जाने के बाद गुरुजी तोता को पूछते हैं कि बताइए तोता, क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसा क्यों बोलते हो। जब भी पंडित जी बोलते हैं राम नाम से बंधन छूटे तो आप चल झूठे बोलते हो, क्यों बोलते हो, क्या बात है, क्या समस्या है। तब तोता अपनी समस्या बताता है कि वो पहले जंगल में निवास करते थे, स्वच्छंद विचरण करते थे, तभी वहीं पर एक साधु संत का आश्रम था, वहीं पर रहकर वो रहने लगे, तोता रहने लगा वहाँ पे। जब साधु संत लोग जब राम 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 करते थे तो उनके साथ कर रहते रहते वहीं के पेड़ के ऊपर में रहते रहते वो भी सीख गया राम राम खाना तोता। तो जब राम राम कहता था तो वहाँ साधु संतों को बहुत ही अच्छा महसूस होता था। अब वो एक बोलने वाला तोता के रूप में बहुत प्रसिद्ध हो गया था। तो इसी दौरान एक सेठ जी वहाँ पर आश्रम में आए दर्शन करने साधु संतों का, तो वहाँ पे उनको अच्छा लगा तोता, ये बोलने वाला राम राम बोलने वाला तोता। तो उसने उन ऋषि मुनियों से मांग लिया, उसको खरीद लिया और उन साधु संतों ने उसको बेच दिया सेठ के पास। सेठ उसको खरीद के ले आया अपने घर में, पिंजरे में रखने लगा उसको। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि सेठ जी ने उसको अपने जहाँ रहते थे वहाँ के जो राजा थे उनको वो उपहार में दे दिया, उसको उपहार में दिया। उसके बाद महल में जाने के बाद उसे चांदी के पिंजरे में रखा जाने लगा और रानी को बहुत प्रिय था तोता, इसलिए उसको रानी को राजा ने उपहार में दे दिया था। थोड़ा निवास में ही तोता रहता था। तो अब वो तोता बता रहा था कि मैं इस तरह से राम राम जपते जपते मैं जो स्वच्छंद हवाओं में विचरण करता था, वातावरण में विचरण करता था, आज राम नाम जपने के कारण ही मैं पिंजरे में कैद हो गया,
पहले सेठ जी के, उसके बाद यहाँ राजा के पास। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चल छोटे। गुरु जी समझ गए तोते की समस्या। उसने तोते को कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करना, अब कल को जब पंडित जी कथा सुनाएं तो उसके बाद आपको जवाब नहीं देना है, प्रतिक्रिया व्यक्त मत करना, बिल्कुल मृत शरीर के समान आप पड़े रहना पिंजरे में अंदर। उसके बाद जैसे ही रानी पिंजरा खोलेगी आप वैसे ही प्रतिक्रिया बिल्कुल भी व्यक्त मत करना, वैसे ही पड़े रहना। उसके बाद जैसे पिंजरा खोले आप वहाँ से पिंजरे से उड़ चलना, ठीक है। ऐसा बोल के गुरु जी चले आए पंडित जी के साथ वापस। दूसरे दिन वैसे ही हुआ, जैसे दरवाजा जैसे पंडित जी ने कथा समाप्त किया, उसके बाद रानी ने तोते की ओर देखा कि तोता जवाब देता है, लेकिन उसने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। तो उनको शक हुआ क्या हुआ तोते को। उसने जाकर देखा तोता मरा हुआ पड़ा हुआ है। तो उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोला। अब दरवाज़ा खोलते ही देखा कि मृत पड़ा हुआ है, तो फिर उसने अपने नौकरों को बुलाने के लिए चिल्लाने लगी, चली गई वहाँ से। और जैसे ही गई उसके बाद उस पिंजरे से तोता निकल कर अपने पुनः वातावरण में आसमान की ओर चला। इस तरह कहा जाता है राम नाम से बंधन छूटे, यहाँ तक तो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उसके लिए गुरु द्वारा रास्ता बताना जरूरी है। रास्ता मिलता है तभी वो बंधन से मुक्त हो पाता है, ठीक है। तो ये कहानी का कुल सारांश ही था। अब आता हूँ इस मंत्र साधना की ओर, कि कैसे गुरु गोरखनाथ का मंत्र साधना किया है, कैसे प्राप्त करेंगे। उसके लिए आपको कोई भी दिन आप चुन लो, कोई भी समय आप कर सकते हो। जो मंत्र बताने जा रहा हूँ बहुत ही सरल छोटा सा मंत्र है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। इस मंत्र को कम से कम एक घंटा जाप करना है आपको, जितनी भी माला हो जाए। और जाप के समय में आप गाय के गोबर से बने जो उपले होते हैं उस पर गुगुल डालते रहें और उपले से धुआं निकलता रहना चाहिए जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं। सुबह या रात कभी भी आप कर सकते हैं, सवेरे के वक्त भी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। और रुद्राक्ष के माला से ही आपको जाप करनी है। इस तरह से आपको एक महीने तक लगातार जाप करनी है। उसके बाद साधना आपकी समाप्त हो जाती है एक महीने के बाद। उसके बाद जो राख होता है, जो राख है उसका भस्म, उसको आपको संभाल कर रखनी, फेंकनी नहीं, विसर्जित नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद भविष्य में जब भी आप जाप करना हो तो सिर्फ सवेरे ही करना है, रात को नहीं करना है। और तन और मन शुद्ध होना चाहिए, ठीक है। अब भभूत को संभाल कर रखना, ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध लें। और उसके बाद इस भभूत के उपयोग बता रहा हूँ मैं आपको, कि आपके पास जो भी परेशान, अपनी परेशानी लेकर जो भी व्यक्ति आपके पास आता है उसको आप पुड़िया बांध कर आप इस भस्म को, भभूत को दो, तो सामने वाले व्यक्ति की चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे शारीरिक हो, जो भी समस्या हो दूर होने शुरू हो जाएगी उस भभूत को लगाने से, खाने से और हवा में छिड़कने से, ठीक है। अब आता हूँ मंत्र की ओर। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु जी को, आदेश आदेश सिद्धों को, आदेश निरंजन निराकारी को, भभूत लगा के गोरख आए, कहाँ से आए, किसको लाए, गौड़ बंगाल से आए, सिद्धों को लाए, कृपा करो माउली श्रीनाथ जी के चरणों को, आदेश, ठीक है। ये मंत्र है, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और मंत्र साधना करना ना भूलें। धन्यवाद।